बेरोजगारी देश की बड़ी समस्या है और क्या है जयपुर के लोगों की राय रोजगार को लेकर, युवाओं से ही जानते हैं उनकी राय। बेरोजगारी देश की नहीं हर प्रदेश की एक बड़ी समस्या है और धीरे धीरे बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। राजस्थान सरकार ने इस बेरोजगारी को कम करने के लिए एक फॉर्मूला निकाला है। राजस्थान में निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, उद्यम है, इंडस्ट्री है, वहां राजस्थान के जो युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनको 75% आरक्षण दिया जाएगा। सबसे पहले राजस्थान के युवाओं को वहाँ नौकरी मिलेगी। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि राजस्थान सरकार के इस फैसले से क्या फायदा उनको होने वाला है। आप बताइए, राजस्थान सरकार ने जिस तरह से फैसला किया है, क्या फायदा होने वाला है? राजस्थान सरकार, जैसे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो फैसला लिया है वो बहुत ही सराहनीय है। और निजी क्षेत्र की बात की जाए तो निजी क्षेत्र के अंदर अगर पिछले 6-7 साल की बात की जाए तो 6-7 साल के अगर आंकड़े देखे जाए तो उनके अंदर निवेश में तो काफ़ी वृद्धि हुई है, लेकिन उनके अंदर जो एक बेरोजगारी की समस्या है वो भी अभी बनी हुई है। राजस्थान सरकार का जो छोटे लघु उद्योगों के अंदर जो 75% जो आरक्षण दिए जाने का जो प्रावधान किया है वो एक बहुत सराहनीय कदम है। जिस तरह से अब केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने अभी एक बात कही कि युवा यहाँ परिपक्व नहीं है, उनको कैपेबिलिटी नहीं है कि वो रोजगार पा सके। रोजगार तो बहुत है लेकिन युवा दक्ष नहीं है, कितना सही है? मैं इस बात को पूरा सही नहीं मानता। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने ये बात कही है, लेकिन भारत का युवा, या मैं कहूँ राजस्थान का युवा, जितना स्ट्रगलिंग और जितना आगे की सोचता है शायद किसी देश का युवा सोचता होगा। और माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो भी ये फैसला लिया है निजी क्षेत्रों में आरक्षण का, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले तक तो ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर ही था और अब ये प्राइवेट और निजी क्षेत्र के अंदर भी है। इससे ना केवल यहाँ का युवा जो कि दर दर भटकता था, बिहार हुआ, कोलकाता हुआ, बहुत सी अलग अलग जगह जाया करता था, वो सब यहीं रह करके अपनी उद्यमिता का फायदा उठाएंगे, निवेश में उनका भी कुछ हिस्सा, उनके भी बुजुर्गों का खून पसीना मेहनत और लगता है, टैक्सेशन के थ्रू भी पैसा जाता है। और बहुत अलग अलग तरीकों से राजस्थान के लोग जो बाहर जा रहे हैं, वो बाहर ना जाकर के सिर्फ राजस्थान में ही काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी काफी बढ़ेगी। और इस चीज के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं इस बात का कतई विरोध करता हूँ जो माननीय केंद्रीय मंत्री गंगवार जी ने कही है कि भाई युवा दक्ष नहीं है, युवा बहुत दक्ष है और अलग अलग तरीकों से अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत कर रहा है। जिस तरह से मंदी का एक दौर चल रहा है कि मंदी है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में मंदी चल रही है, छटनी हो रही है, ऐसे में राजस्थान सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए 75% आरक्षण की जो बात कही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, कितना फायदा मिलने वाला है, कितनी नौकरियाँ उससे राजस्थान के युवाओं को मिलने वाली? सर, फायदा तो इसमें मिलेगा, काफ़ी फायदा मिलेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब है वो कम है और जो लघु उद्योग है वो ज़्यादा है। तो मेरा ये मानना है कि सबको ये मिलना चाहिए, क्योंकि सब रोजगार मिले सबको, सभी तैयारी कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, उनके माँ बाप पैसा लगा रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, बाहर से पढ़ने आते हैं, तो सभी को मिलना चाहिए रोजगार। रोजगार सभी को मिलना चाहिए। आप बताइए कि जिस तरह से युवाओं की जो संख्या है, बेरोजगार युवाओं की संख्या है, वो निरंतर बढ़ती जा रही है, रोजगार कम होते जा रहे हैं, निजी क्षेत्र हो, सरकारी नौकरियाँ हो, कैसे सरकार इस पूरे सिस्टम को भरेगी और युवाओं को रोजगार दिला पाएगी? उसके अलावा जो 75% आरक्षण है, इसके अलावा और क्या प्रावधान सरकार को करने चाहिए? सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में नई वैकेंसी निकालनी चाहिए जिससे कि बेरोजगारी कम हो सके, और भी कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे बेरोजगारी कम हो। बेरोजगारी कम हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से युवा अब एजुकेटेड हो रहा है, तकनीकी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जिस तरह से एजुकेशन ले रहा है और उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, सरकारी नौकरियों में 10 अगर पोस्ट हैं तो 1-1 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, इस सब को रोकने के लिए सरकारों को क्या कदम उठाने चाहिए, एक बात। दूसरा कि जिस तरह से सरकारें जब आती हैं चुनाव में, पार्टियाँ वो अपना एक मैनिफेस्टो बनाती हैं और मैनिफेस्टो में तमाम वादे युवाओं के रोजगार को लेकर करती हैं, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, इतने हज़ार नौकरियाँ मिल जाएंगी, क्या ये सब वादे राजनीतिक दल और सरकारें पूरा कर रही हैं? ये तो सरकार, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सब अपने वादे रखती है और कोई कोई सरकार तो अपना पूरा करती है, ऐसी बात नहीं है, हर सरकार अपना वादा पूरा भी करती है। और ये है कि हर सरकार पे हर वादा पूरा भी नहीं होता है, पर हमारे जितने भी लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं तो शिक्षा का ही ये सिस्टम है, तो बेरोजगार लड़के तो बहुत ज़्यादा ही है हमारे यहाँ पे। अब बताइए, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको खत्म करने के लिए आरक्षण जो दिया है निजी क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने, और क्या प्रावधान होने चाहिए जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके? देखिए, आरक्षण के साथ साथ में सरकार को जगह भी
काफ़ी निकालनी चाहिए जिससे बेरोजगारों को रोजगारी थोड़ा मिले। लघु कुटीर उद्योगों को भी देना चाहिए सरकार को, जिससे रोजगार प्राप्त हो, बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो। सरकार आरक्षण के मामले में तो खैर कुछ कर रही है, लेकिन बेरोजगारों को जो फॉर्म भरे जाते हैं उसमें पैसों को भी कमी करनी चाहिए। राजस्थान सरकार हर फॉर्म में 500-500 रुपए लेती है और केंद्र सरकार भी 500 रुपए लेती है, इसको कम करना चाहिए। और स्टेट में सरकार कम रुपए लेती है, और आरक्षण के मामले में तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। तो युवाओं का कहना है कि बेरोजगार युवाओं की संख्या ज़्यादा है, सरकार का जो कदम है, राजस्थान सरकार का कदम है, सराहनीय कदम है, निजी क्षेत्र में युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे, लेकिन सरकारी क्षेत्र में भी युवाओं को नौकरी के अवसर मिले ऐसा भी प्रावधान सरकारों को करना चाहिए। अब देखना है कि गहलोत सरकार के इस फैसले से राजस्थान के कितने युवाओं को फायदा मिलने वाला है, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन नीतीश के साथ संजय वर्मा, R9 TV, जयपुर। तो नए मोटर व्हीकल एक्ट को कुछ राज्यों ने मानने से साफ इनकार कर दिया है। जयपुर में इस एक्ट को लेकर क्या है लोगों की राय, जानते हैं चाय का चस्का में। देश में जिस तरह से मोटर व्हीकल एक्ट में चेंज आए हैं और उसके बाद भारी भरकम जुर्माने की रकम तय कर दी गई है, लेकिन कुछ राज्यों ने इस पूरे एमबी एक्ट को मानने से मना कर दिया और भारी भरकम जुर्माना लगाने से भी मना कर दिया। ऐसा एक राज्य है राजस्थान, और कुछ युवा हमारे साथ इस मुद्दे पर आज बात करने के लिए मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से मोटर व्हीकल एक्ट में इतना भारी जुर्माने के जो प्रावधान किया है वो कितना सही है। आप बताइए, जिस तरह से मोटर व्हीकल एक्ट में भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है वो कितना सही है, आप इसको कितना सही मानते हैं? ये अगर देखा जाए तो एक हिसाब से तो सही है, बट जिस हिसाब से इतना बड़ा चलान ले रहे हैं, और क्या अपनी इंडिया की और मेनली जयपुर की बात करें तो जयपुर की रोड्स है ऐसी कि उनका इतना चलान काटा जाए। और कुछ लोग तो, कुछ पुलिस वाले तो ऐसे कि बेवजह बस ऐसे है कि हाँ तुम आ जाओ, बस उनको दिखना चाहिए कि आ जाओ, बस लूटना है। अब एक हिसाब से लूट है ये, इतना नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माना लगाया जा रहा है, राजस्थान ने इस जुर्माने को मानने से भी मना कर दिया है कि हम इतना भारी भरकम जुर्माना नहीं लगाएंगे, ये आम आदमी पर बोझ है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह का जुर्माना लगाया है, राजस्थान ने मानने से मना कर दिया है, इस तरह का होना चाहिए? और पुलिस का व्यवहार जब से ये एमबी एक्ट बदला हुआ है किस तरह का देखते हैं आप, जो युवा हैं गाड़ी चलाते हैं? इस वक्त पुलिस का बिहेवियर नॉट सेटिस्फैक्ट्री, वो हर दादागिरी टाइप्स में आ चुके हैं हर किसी को, मतलब ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल रॉन्ग है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। जिस तरह का जुर्माना लगाया जा रहा है वो कितना सही है? जुर्माना सीधा 2000, मतलब क्या, अगर कोई अगर है ही नहीं अनएम्प्लॉयड, वो पर्सन कहाँ से पे करेगा? तुम कुछ भी ला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। और जिस तरह से जुर्माना लगाया गया है राजस्थान सरकार उसको मान नहीं रही है, क्या जुर्माने के हिसाब से लोग कह रहे हैं कि सड़कें अच्छी नहीं है, जुर्माना बहुत ज्यादा है, इस पर क्या आप सोचते हैं किस तरह का होना चाहिए? जुर्माना सही है, मतलब होना भी चाहिए, लोग देख के डरेंगे, हेलमेट पहन के जाते हैं लोग, इसके वजह से सही भी हुआ है। पर अपन को ये जितना जुर्माना लग रहा है यहाँ अपन को खर्चा करना चाहिए रोडों पे, उनके गड्ढे सही करने चाहिए, बारिश में पता लग जाता है गड्ढे बहुत खराब हो चुके हैं यहाँ, और पानी वानी भरता रहता है, तो उनको सरकार को इन पे भी ध्यान देना चाहिए। और पुलिस वालों को भी सही है, वो भी क्या कर ले, सरकार ने किया है जो करना है, अब डर बैठेगा तभी तो पुलिस वाले कुछ करेंगे। कई बार देखने को ये भी आया है कि जिस तरह से जब आप गाड़ी लेकर निकलते हैं तो पुलिस जब वहाँ चेकिंग करती है तो देखा जाता है कि कई बार भेदभाव होता है, जैसे एक आपको रोक लिया दूसरा, तो ये कितना सही है, ये होना चाहिए नहीं होना? ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में रह रहे तो सबों के लिए समानता का अधिकार है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और रही बात ट्रैफिक जुर्माने की, तो ये इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बेरोजगार व्यक्ति वो तो पे नहीं कर सकता अगर उससे गलती हो गई हो। और बाकी जयपुर की, मेनली जयपुर की बात करी जाए तो जयपुर में भी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक रोड वगैरह सही नहीं है, अगर उसको सही करा। पहले अभी जेलन मार्ग पर अभी वो भूस्खलन हुआ था जिसमें से रोड कट गया था उसकी वजह से, और इस वजह से, और एक तो इस चीज़ से करप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि पुलिस वाले बेवजह चालान ले रहे हैं और उससे 23-23 हज़ार 15-15 हज़ार का चालान ले लेते हैं। एक ट्रक वाले से 85 हज़ार का चालान लिया, न्यूज़ पढ़ी थी मैंने, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। लो चालान लो, लेकिन एक हिसाब से लो, फालतू में लूट वाटी मत करो, ठीक है, बस दैट्स इट। और जिस तरह से जुर्माना लगा, इससे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए, और जो एमबी एक्ट जो आया है नया, जिसमें प्रावधान आया है, अगर इसमें माँ बाप को भी दोषी माना गया है, ये कितना सही है?
सही तो क्या है, मतलब ऐसे तो है ही, वो तो कहते हैं हेलमेट पहनना चाहिए वैसे तो अपन को, पर मतलब जो मतलब हेलमेट पहना हुआ है बस कागज़ देखने के लिए रोक लेते हैं, वो चीज़ नहीं है सही। तो कहीं ना कहीं जुर्माना जो लगाया है वो भारी भरकम है, युवाओं ने कहा कि इस तरह का जुर्माना नहीं होना चाहिए और जुर्माने के साथ साथ सड़कों की स्थिति भी बेहतर होनी चाहिए और पुलिस वाले जिस तरह से भेदभाव करके गाड़ियों को रोकते हैं और उनका व्यवहार आम आदमी के और वाहन चालकों के प्रति जो अच्छा नहीं है उसमें भी सुधार होना चाहिए। तो देखना है कि अब युवाओं की ये आवाज़ सरकार तक पहुँचती है और सरकार इस पर क्या अमल लाती है ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन नितेश के साथ संजय वर्मा, R9 TV जयपुर।